पृथ्वी के अंदर किसी दूसरे प्लैनेट के अवशेष मिले। यस, ये अवशेष कॉन्टिनेंट जितने बड़े दो ब्लॉब्स यानी पत्थर के गोले जैसे हैं। और कुछ साइंटिस्टों का ये दावा है कि एक एलियन प्लैनेट थिया के रिमेन्स है। दरअसल आज से करीब 30-40 साल पहले जब साइंटिस्ट अर्थक्वेक्स की स्टडी कर रहे थे, तब उन्हें गलती से अफ्रीका और पैसिफिक ओशन के नीचे यहाँ इस गहराई पर दो विशाल कॉन्टिनेंट्स इतने बड़े पत्थर के टुकड़े मिले थे, जो पृथ्वी के पत्थरों से बिल्कुल अलग थे। अब ऐसे में सवाल ये था कि ये विशाल पत्थर आखिर पृथ्वी के कोर तक आखिर पहुंचे कैसे। और तभी कैलटेक यूनिवर्सिटी के जियोफिजिसिस्ट चियान युआन और उनकी टीम का एक क्लेम आता है दैट यस, ये वाकई में किसी एलियन प्लैनेट के रिमेन्स है और उनके पास इसे प्रूफ करने के लिए एविडेंस भी है। अब आइडियली अगर कोई इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई क्लेम करता है तो मोस्ट ऑफन उनके पास वैलिड एविडेंस होता है, क्योंकि यही साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है अपनी बात को प्रूफ करने का। बट देन जरा सोचो, ये जियोफिजिसिस्ट आखिर एविडेंस के तौर पर क्या ही दिखा सकते थे। आई मीन जिन ब्लॉब्स को वो एलियन बता रहे हैं वो पृथ्वी की गहराई में ऑलमोस्ट पृथ्वी के कोर के पास है, जहां तक ना पहले कोई पहुंच पाया है और ना आज पहुंच सकता है। और उन ब्लॉब्स को जिस एलियन प्लैनेट थिया के साथ जोड़कर बताया जा रहा है वो एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट है, जो कहा जाता है आज से 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी से टकराकर खत्म हो गया था। यानी इसका मतलब ना इन साइंटिस्टों के पास उस ब्लॉब के सैंपल्स हो सकते हैं और ना ही उस थिया नाम के हाइपोथेटिकल प्लैनेट के। सो आई आस्क अगेन, क्या इनकी रिसर्च पर बिलीव भी किया जा सकता है? ऑल्सो कैसे विशाल ब्लॉब्स पृथ्वी के अंदर एग्जिस्ट भी कर सकते हैं बिना उसके रोटेशन को अनस्टेबल किए? और साइंटिस्टों ने इसके एग्जिस्टेंस का आखिर पता ही कैसे लगाया ऑन द फर्स्ट प्लेस? अब ऑनेस्टली जब भी हम इस तरह के टॉपिक्स पर काम करते हैं ना, कई बार हमें बहुत से ऐसे मिथ्स, मिसकंसेप्शंस और अफवाहों का भी सामना करना पड़ता है। बट हमेशा से हमारी बस यही कोशिश रही है कि इन सारे अफवाहों और मिथ्स को साइड में रख के हम एकदम लॉजिकल कंक्लूजन ही आपके सामने लाकर रखे जो साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड है। और यही सेम थिंकिंग और मेथड हमने इस टॉपिक पर भी यूज किया। हमने एकदम स्टार्ट किया इसके बेस से, एकदम फंडामेंटल से। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, साइंटिस्टों ने इन ह्यूज ब्लॉब्स को पृथ्वी के कोर के नजदीक आखिर ढूंढा ही कैसे? वेल, यहां पर आ जाती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। सो शुरुआत में साइंटिस्टों का ये गोल ही नहीं था कि भाई पृथ्वी के नीचे कोई ह्यूज ब्लॉब्स हो सकते हैं, उन्हें ढूंढने निकलते हैं। इनफैक्ट उस वक्त तो वो एक अनआंसर्ड मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। सो कहानी की शुरुआत होती है 1960s में यूएस के हवाई आइलैंड्स पर। सिर्फ 3 सालों के अंदर अंदर करीब 8 वोल्केनोस फट गए थे। अब नॉर्मली फ्रीक्वेंट वोल्केनिक इरप्शन सिर्फ उसी जगह पर होते हैं जहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते हैं, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्रीज पर। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं तब पृथ्वी के अंदर का तापमान और प्रेशर बढ़ने लगता है और वहां मौजूद मैग्मा वोल्केनो के रूप में बाहर आने लगता है। लेकिन आप देख सकते हो हवाई आइलैंड अपने सबसे नजदीकी टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री से भी कितना दूर है। सो लॉजिकली सबसे पहला सवाल यही है कि हवाई में स्थित मौना लोआ और किलाओइक, ये दोनों पहाड़ दुनिया के सबसे एक्टिव वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स आखिर क्यों है? आखिर हवाई आइलैंड्स के नीचे ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री से इतना दूर होने के बाद भी यहां पर दुनिया के दो मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज है? वेल, इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए जब साइंटिस्टों ने दुनिया के सभी एक्टिव वोल्केनिक रीजन्स का एक मैप बनाया, तब उन्हें पता चला कि सारी कड़ियां दो जगहों पर आकर जुड़ रही है, एक अफ्रीका और दूसरा पैसिफिक। लाइक लिटरली आप ये हॉटस्पॉट्स के मैप को देखो, हवाई आइलैंड तो पैसिफिक में ही है, लेकिन ये जो साइबेरियन ट्रैप्स और डेकन ट्रैप्स नाम के सूखे लावा के पहाड़ है ना, ये जो अभी रशिया और इंडिया में दिख रहे हैं, ये भी तब बने थे जब साइबेरिया आइसलैंड वाले हॉटस्पॉट के ऊपर हुआ करता था और इंडिया रीयूनियन वाले हॉटस्पॉट के ऊपर। यानी कि ये दो प्लेट्स अपनी जगह से शिफ्ट हो गए हैं। यानी कि ऑल इन ऑल यहां पर दो कंक्लूजन निकलते हैं। पहला, हो ना हो अफ्रीका और पैसिफिक ओशन के नीचे कुछ तो ऐसा है जो इन हॉटस्पॉट्स को जन्म दे रहा है। और दूसरा, इट इज पॉसिबली इन द मेंटल, क्योंकि क्रस्ट पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स भले ही आगे मूव कर जाए, ये हॉटस्पॉट्स आगे मूव नहीं कर रहे हैं। सो ऐसे में क्या थी वो चीज जो अफ्रीका और पैसिफिक ओशन के नीचे है और मेंटल में है? वेल, द ओनली वे टू फाइंड दैट आउट वाज किसी तरह मेंटल में घुसने की तरकीब निकालो,
क्योंकि ऑब्वियसली सीधा गड्ढा खोद कर जाना वॉज नॉट एन ऑप्शन. आई मीन रशिया ने भी जब कोला सुपर डीप बोरहोल खोदा था तो वो सिर्फ 12 किलोमीटर के आसपास ही नीचे पहुंच पाए थे. ये तो मतलब कुछ ऐसा हुआ, अगर मैं पृथ्वी के सरफेस को अपने हथेली से कंपेयर करूं तो ये जो हाथ की रेखाओं का डिप्रेशन दिख रहा है ना, इतना भी गहरा हम अब तक नहीं खोद पाए. कहने का मतलब साफ है कि साइंटिस्टों को एक बेहतर टेक्निक की जरूरत थी. और यहीं पर फिर एंट्री ली यूएस के कुछ क्यूरियस साइंटिस्टों ने. दरअसल लेट 70s तक अर्थक्वेक्स की स्टडी साइंटिफिक कम्युनिटी में काफी ट्रेंड पकड़ रही थी. तो यूएस के कुछ साइंटिस्टों ने सोचा क्यों ना अर्थक्वेक्स के जरिए पृथ्वी के गहराइयों में पेनिट्रेट किया जाए. अर्थक्वेक डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से साइंटिस्टों ने अर्थ के इंटीरियर्स को कैसे मैप किया. तो देखो, जब कोई भी अर्थक्वेक आता है तो पूरी पृथ्वी वाइब्रेट करने लगती है, यानी कुछ वेव्स जो निकलते हैं वो पृथ्वी के अंदर से आर पार जाने की ताकत रखते हैं. तो ऐसे में यूएस साइंटिस्टों ने सोचा इन वेव्स को स्टडी करके पृथ्वी के इंटीरियर्स का एक मैप बनाया जा सकता है. और इस मैपिंग की पूरी जिम्मेदारी उठाई MIT के प्रोफेसर काइटी आकी ने, जिन्होंने अर्थक्वेक से पैदा होने वाली साइस्मिक वेव्स की स्पीड को नापकर उन एलियन ब्लॉब्स को डिस्कवर किया. एक्चुअली साइस्मिक वेव्स का सीन कुछ ऐसा होता है कि ये वेव्स अलग-अलग मीडियम से अलग-अलग स्पीड्स में ट्रैवल करते हैं. सो इस स्पीड वेरिएशन को रिकॉर्ड करके उन्होंने पृथ्वी के इंटीरियर्स का एक 2D मैप बनाया. जैसे कि मैंने कहा, ये वेव्स मीडियम चेंज होने पर स्पीड भी बदलते हैं. तो साइंटिस्टों का इनिशियल प्रेडिक्शन था कि मेंटल से गुजरते समय थ्रू आउट उन वेव्स की स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी. बट देन एक्सपेरिमेंट्स में जो रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल ही अलग थे. अफ्रीका और पैसिफिक रीजन्स के नीचे मौजूद मेंटल से गुजरते समय अचानक से इन वेव्स की स्पीड कम हो गई, यानी कि वहां मेंटल में कुछ और ऐसी चीज मौजूद थी जिसको टकराकर उन वेव्स की स्पीड चेंज हुई थी. डिटेल्ड जांच पड़ताल करने पर पता चला अफ्रीका और पैसिफिक के नीचे किसी रेगिस्तान में दिखने वाले रेत के टिलों की तरह दो स्ट्रक्चर्स मौजूद है जो किसी कॉन्टिनेंट जितने बड़े हैं. और फिर इन डिस्कवरीज के बाद साइंटिस्टों ने इनमें से अफ्रीका वाले ब्लॉब को नाम दिया टूजो और पैसिफिक वाले को नाम दिया गया जेसन. और इनकी इस खोज के बाद दे मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज हॉटस्पॉट्स और उन एलियन ब्लॉब्स के बीच का कनेक्शन खोजना कि क्या वो ब्लॉब्स ही आखिर इन हॉटस्पॉट्स को जन्म दे रहे हैं और इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस. इन ब्लॉब्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए 1994 में जर्मनी के जाने माने मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के दो जियोफिजिसिस्ट UR क्रिस्टेंसन और AW हॉफमैन, इन्होंने एक थियरी को पेश की थी. उनके मुताबिक 200 मिलियन सालों पहले जब पांजिया सुपर कॉन्टिनेंट टूट रहा था, तब उस समय पृथ्वी का ओशियानिक क्रस्ट डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे धसने लगा था और इवेंचुअली वो धसते धसते मेंटल तक पहुंच गया. इसके बाद यहाँ मेंटल में एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जब वो पिघला, तब उसमें मौजूद पानी के कण कोर में मौजूद आयरन के संपर्क में आकर आयरन पेरोक्साइड में तब्दील हुए. और क्योंकि आयरन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल्स लावा से ज्यादा डेंस होते हैं तो उनकी वजह से वो कोर और मेंटल की बाउंड्री पर जमा होते गए और समय के साथ उन्होंने वहां पर ऐसे ब्लॉब्स जैसे दो विचित्र स्ट्रक्चर्स बना दिए. और क्योंकि इन ब्लॉब्स ने काफी समय तक आयरन पेरोक्साइड जैसे डेंस मटेरियल को अपने पास जमा करके रखा है, इसीलिए फिर ओवरलोड होकर वो डेंस मटेरियल क्रस्ट को चीरते हुए समय समय पर बाहर फूट पड़ते हैं, क्रिएटिंग हॉटस्पॉट्स, यानी कि अब तक लेवल 2 भी पार. साइंटिस्टों को अब पता था कि नंबर 1 ज्यादातर हॉटस्पॉट्स अफ्रीका और पैसिफिक रीजन में है, नंबर 2 इन हॉटस्पॉट्स के नीचे दो विशाल ब्लॉब्स हैं और नंबर 3 ये दो ब्लॉब्स ही हॉटस्पॉट्स को जन्म दे रहे हैं. अब बारी थी लेवल 3 पर जाने की. अब देख सकते हो कि क्रिस्टेंसन और हॉफमैन की थियरी ये तो बता पा रही थी कि ये ब्लॉब्स बने कैसे होंगे, पर इस थियरी के पास अब भी एक आंसर मिसिंग था. वो ये नहीं बता पा रही थी कि ये ब्लॉब्स स्पेसिफिकली अफ्रीका और पैसिफिक के नीचे ही क्यों बने हैं, वो कहीं और भी तो बन सकते थे ना. अब देखो, उन दिनों इस पर कई साइंटिस्टों ने बहुत सोचा. उनका मानना था कि अब तक जितना हम जान चुके हैं उसी पर आगे बिल्ड कर सके ऐसी कोई थियरी खोजते हैं ना. एंड वेल, उन्हें ये नहीं पता था कि यही ख्याल उन्हें बहुत ही जल्द एक डेड एंड की तरफ लेकर जाने वाला था. एक्चुअली मैं उन साइंटिस्टों को लग रहा था कि हॉटस्पॉट्स को ब्लॉब्स से जोड़ना जितना इजी था, ब्लॉब्स को अफ्रीका और पैसिफिक से जोड़ना भी उतना ही इजी होगा. बट देन उन्होंने जितने भी थियरीज दिए वो हॉटस्पॉट्स, ब्लॉब्स और अफ्रीका पैसिफिक, इन तीनों एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे.
एंड फाइनली अमंगस्ट ऑल दिस केओस 2021 में एक कंप्लीटली अलग थियरी सबके सामने आई। इस थियरी का क्लेम था वो ब्लॉब्स असल में एक एलियन प्लैनेट थिया के टुकड़े हैं। एंड सपोर्टिंग रिसर्चर्स ने ये दावा किया कि उनके पास इसका प्रमाण भी है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। देखो 2021 में कैल्टेक यूनिवर्सिटी के जियोफिजिसिस्ट चियान युआन और उनकी टीम ने एक थियरी पब्लिश की। उनके अनुसार आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी आज के मुकाबले काफी छोटी हुआ करती थी, बट फिर एक मार्स इतने बड़े प्लैनेट थिया से वो टकराती है और उस भीषण टकराव से नंबर वन पृथ्वी अपने एक्सिस पर टिल्ट हो जाती है, नंबर टू थिया का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर हमारा चांद बन जाता है और नंबर थ्री उसके बचे हुए टुकड़े पृथ्वी के अंदर कैद हो जाते हैं। दरअसल युआन का कहना था कि इस कोलिजन के बाद पृथ्वी पूरी तरह से पिघल गई थी और क्योंकि थिया की डेंसिटी पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा थी और इसीलिए उसके टुकड़े पृथ्वी के निचले हिस्से यानी हमारे कोर तक धस गए। ऊपर से रही बात उनके करंट लोकेशन की, तो एक ऑल्टरनेट रिसर्च ये कहती है कि पृथ्वी के इस नए टिल्टेड रोटेशन को स्टेबिलाईज करने के लिए ये ब्लॉब्स एक दूसरे से डायमेट्रिकली ऑपोजिट यानी अफ्रीका और पैसिफिक में अलाइन हो गए होंगे। आफ्टर ऑल जायरोस्कोप्स में भी तो यही होता है, उसके अंदरूनी पुर्जे अलग अलग मूवमेंट्स और एडजस्टमेंट्स करके उस गायरोस्कोप के रोटेशन को बैलेंस आउट करते हैं। So, is this it? क्या थिया वाली थियरी ही फाइनली एक्सेप्ट हुई जो हॉटस्पॉट्स ब्लॉब्स और अफ्रीका पैसिफिक की गुत्थी इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर पाई? Well, टेक्निकली yes. क्योंकि इससे ब्लॉब्स आए कहां से ये पता चलता है, फिर ये अफ्रीका और पैसिफिक में ही क्यों है ये भी पता चलता है, और फिर उसी के आगे अगर हम वो ओशियनिक क्रस्ट वाली थियरी को भी कनेक्ट कर दे तो ये हॉटस्पॉट्स क्यों पैदा करते हैं ये भी पता चल जाता है। मीनिंग हमारे पास अब वो सभी चीजों के एक्सप्लेनेशन है जो भी हमें चाहिए थे। जस्ट वन थिंग, सबूत, प्रूफ, एविडेंस क्या है ये थियरी के सच होने का? क्या हमारे पास कोई एविडेंस है कि थिया जैसा कोई एलियन प्लैनेट कभी एग्जिस्ट भी किया करता होगा? वेल, चियान युआन और उनकी टीम का यह दावा है कि उनके पास प्रूफ्स है। उनका कहना है कि जब उन्होंने अपनी इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया, उसमें उन्होंने मून के केमिकल कॉम्पोजिशन से सिमिलर मार्स इतना बड़ा एक प्लैनेट यानी थिया बनाया और फिर उसे पृथ्वी के साथ टकरा कर देखा, तो सिमुलेशंस में एग्जैक्टली वही हुआ जैसा उन्होंने हाइपोथेसिस में प्रेडिक्ट किया था। यानी थिया का एक बड़ा सा हिस्सा वाकई में उनके सिमुलेशन में चांद बन गया। पृथ्वी उस टकराव से पिघल भी गई और फिर थिया के बचे हुए टुकड़े अपनी हाई डेंसिटी की वजह से पृथ्वी के कोर मेंटल बाउंड्री तक भी पहुंचे, जैसा एग्जैक्ट नजारा आज हमें हमारे पृथ्वी का भी दिखता है। यानी कि युआन की इस थियरी की वजह से अब फाइनली हमारे पास इन ब्लॉब्स के ओरिजिन का एक साइंटिफिक आंसर है एंड पॉसिबली वो सही भी है। द ओनली प्रॉब्लम इज अब भी अनफॉर्चुनेटली हमें इसे एक थियरी ही पकड़कर चलना होगा। एंड यू नो व्हाट इज द रीजन? वेल, अपने इस थिया के अवशेष वाले क्लेम को प्रूफ करने के लिए युआन ने जो कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया है उसमें थिया का केमिकल कॉम्पोजिशन एक तरह से बस गेसवर्क है, क्योंकि हम अब भी चांद के कंप्लीट केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में नहीं जानते, उसके सिर्फ ऊपरी सॉइल सैंपल्स का ही हमारे पास प्रॉपर डेटा है। सो ऐसे में इस इनकम्प्लीट डेटा सेट से थिया का सिमुलेटेड मॉडल बनाना आई थिंक यहां पर चांस आ जाता है मार्जिन ऑफ एरर का। हावेवर हम इसे पूरी तरीके से खारिज भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिमुलेटेड मॉडल एक अच्छे खासे लेवल तक उन ब्लॉब्स के एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करता है। बिसाइड्स अपने सिमुलेशन के इस लूपहोल को युआन और उनकी टीम भी भली भांति जानती है और इसीलिए वो फिलहाल नासा के आर्टेमिस मिशन से चांद के रॉक सैंपल्स हासिल करने का इंतजार कर रहे हैं। इवेंचुअली उन सैंपल्स को वो ब्लॉब्स के साथ मैच करके ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉब्स असल में थिया का ही एक हिस्सा है या फिर नहीं। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू दैट वन फाइनल क्वेश्चन, विच इज कि चलो आर्टेमिस चांद के रॉक सैंपल्स ले भी आए, तब भी हमारे पृथ्वी के मेंटल में छुपे ब्लॉब्स को उनके साथ युआन कंपेयर ही कैसे करेंगे? You know, आज के इस पूरे वीडियो में यही वो सवाल है जिसने मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा एक्साइट किया, क्योंकि युआन मून के रॉक सैंपल्स को ब्लॉब से कंपेयर करके देखने वाले हैं। ये एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है, इसका मतलब वो ये कैसे करेंगे इसका कोई प्रोसेस कहीं पर भी मेंशन नहीं है अभी तक, मतलब हमें यहां पर अपना खुद का गैस लगाना था कि क्या होगा प्रोसेस। सो इससे पहले कि मैं खुद इसका जवाब दूं, आप इसे ट्राई करना चाहोगे? कम ऑन, इफ यू हैव एन आंसर तुरंत उसे नीचे कॉमेंट करो। ट्रस्ट मी, जवाब अब तक ने जितना भी सीखा है उसी में ही है और ये हमें भी खुद बाद में ही रियलाइज हुआ। सो होपफुली आपको जो भी आंसर लग रहा है आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। अब बढ़ते हैं जवाब की ओर।
आपको याद होगा हमने सबडक्टेड ओशियनिक क्रस्ट थियरी की बात की थी जो हॉटस्पॉट्स और ब्लॉब्स के बीच का कनेक्शन बताती है। वेल, उसमें ये देखो, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वो ब्लॉब्स एक ही जगह पर रुके होने की वजह से ओवर टाइम उन ब्लॉब्स में मौजूद आइसोटोप्स यानी कि एलिमेंट्स के अलग अलग वेरिएंट्स कॉन्सेंट्रेट होने लगते हैं और फिर उसके बाद मैंटल प्लूम्स यानी कि मैंटल को चीरते हुए जो लावा हॉटस्पॉट से बाहर आता है उनमें ये आइसोटोप्स रिसाइकल होकर बाहर सूखे लावा के पत्थर बनाते हैं। यानी कि हमें चांद और ब्लॉब के पत्थरों को मैच कराने के लिए मैंटल तक खोदने की जरूरत नहीं है, बस हवाई आइलैंड जैसे एक्टिव हॉटस्पॉट्स के पास से सूखे लावा के पत्थर यानी बेसाल्ट रॉक्स के सैंपल्स इकट्ठा करो और उनके जरिए ब्लॉब्स के केमिकल कॉम्पोजिशन को आइडेंटिफाई करो एंड लास्टली उन्हें मून के रॉक सैंपल्स के कॉम्पोजिशन के साथ मैच करो। As simple as that. And which makes me think, क्या साइंस वाकई में इतना हार्ड और कॉम्प्लिकेटेड है जितना दुनिया बताती है? I mean, मेरे हिसाब से साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक सोचने का तरीका है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक अप्रोच, एक नजरिया है जो कि हर चैलेंजिंग सिचुएशन को, हर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को देखकर हमें एक्साइटेड फील कराता है। एंड वंस वी फाइंड द आंसर हमें कितना अचीवमेंट लाइक फील होता है, बट यहां पर हमारा पर्सनल ग्रोथ भी होता है साथ। और यही सेम साइंटिफिक अप्रोच हम अपने लाइफ में भी यूज कर सकते हैं अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। खैर, हैविंग सेड दैट, एक और एक जियोलॉजिकल प्रॉब्लम है और ये सीधा आपसे और मुझसे, हम इंडियन से जुड़ी हुई है। बेसिकली आसान शब्दों में बताऊं तो इंडिया इज लिटरली स्प्लिटिंग। अभी हाल ही में चाइना के रिसर्चर्स ने यह पता लगाया कि बिकॉज ऑफ सम अननोन फिनोमेनन हमारा इंडियन टेक्टोनिक प्लेट दो हिस्सों में टूट रहा है, जिससे साइंटिस्टों का यह मानना है कि हो सकता है कि हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स और इवन हिमालयन पर्वत कुछ ही सदियों में बर्बाद हो जाएंगे। और वेल, इस टॉपिक को भी मैंने इस वीडियो में काफी डिटेल में कवर किया है कि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स में एग्जैक्टली क्या हो रहा है और क्यों साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि आगे चलकर नॉर्थ इंडियन बेल्ट डिस्ट्रॉय हो सकता है। So click over here and check out that video, काफी interesting video है। और अगर friends इस video से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक like जरूर ठोकना और Get Set Fly Science channel को subscribe कर लो और bell notification on कर देना ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी video की update आप miss ना करो। See you next time, तब तक के लिए as always stay curious and keep learning। जय हिंद।